Welcome to Inside Tech. Here we will learn about power transmission element and control system. अभी हम यहाँ पे सबस्टेशन इक्विपमेंट में सीटी का वायरिंग देखने वाले हैं. करंट ट्रांसफॉर्मर जो हमने आगे एक वीडियोस में देखा था कि करंट ट्रांसफॉर्मर का कैसा टाइप क्या क्या होते हैं, वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका वायरिंग कैसा होता है. तो यहाँ पे एक सीटी दिया गया है जो 600 300 बाय 111 इस तरह का रेशियो वाली सीटी है. तो यहाँ पे जो ब्लैक लाइन दी है उसको हम प्राइमरी देखते हैं, और जो तीन कोर है, जैसे हमने आगे देखा था कि तीन कोर होती है सीटी में या उससे ज़्यादा भी होती है, तो उसमें एक मीटरिंग कोर होता है, दूसरा होता है वो प्रोटेक्शन कोर होता है, और तीसरा होता है वो स्पेशल प्रोटेक्शन कोर होता है. अभी इसमें प्राइमरी जो है उसको टर्मिनल को P1 बोलेंगे, सेकंड टर्मिनल को P2 बोलेंगे, और सेकेंडरी जो होता है उसका जो फर्स्ट टर्मिनल होता है उसको हम S1 बोलेंगे, दूसरा टर्मिनल को S2 और तीसरे टर्मिनल को S3. जैसे कोर है तो फर्स्ट कोर है मीटरिंग का तो उसको 1 बोलेंगे, वो पहले नंबर की कोर, प्रोटेक्शन है तो दूसरे नंबर की कोर, और स्पेशल प्रोटेक्शन तीसरे नंबर की कोर. तो जो सेकेंडरी टर्मिनल है उसको हम जानेंगे 1S1, 1S2, 1S3. सेम दूसरा कोर 2S1, 2S2, 2S3 और तीसरा कोर 3S1, 3S2, 3S3. अभी हम यहाँ पे रेशियो कैसे होता है सीटी का वो देखते हैं. तो 1S1 और 1S2 उसके बीच में कौन सा रेशियो होता है, तो यहाँ पे अगर ये 600 300 बाय 1 की सीटी है तो यहाँ पे 1S1 और 1S2 के बीच में 300 बाय 1 का रेशियो रहेगा, और 1S1 एंड 1S3 के बीच में 600 बाय 1 का रेशियो रहेगा. तो इस तरह से किसी भी सिटी को आप समझ सकते हो. अभी आगे जो ये सिंगल फेज सिटी है, अगर ऐसी थ्री फेज सिटी होती है तो उसका वायरिंग कैसा होता है वो हम जानेंगे. और एक चीज है कि जो सिटी का सेकेंडरी होता है उसको कभी भी चार्ज कंडीशन में ओपन नहीं रखना चाहिए. इसलिए हमेशा अगर चार्ज सिटी है प्राइमरी साइड से तो उसका सेकेंडरी जो होता है उसको शॉर्ट कर देना चाहिए. ये क्यों करना चाहिए वो हम कभी आगे देखेंगे, लेकिन सिटी कभी भी अगर चार्ज कंडीशन में है तो उसका सेकेंडरी ओपन नहीं होना चाहिए. अभी जैसे हमने आगे देखा कि एक सिटी में तीन कोर होती है, तो अगर हम पहला कोर जो है उसका वायरिंग देखें तो वो किस तरह से होता है, तो यहाँ पे तीन सिटी है, वो आर फेज, वाई फेज और बी फेज की सिटी है. उसका फर्स्ट कोर है तो यहाँ पे R1S1, R1S2 यानी कि आर फेज का फर्स्ट कोर का S1 कॉन्टेक्ट और S2 कॉन्टेक्ट, सेम वाई फेज का और बी फेज का सेकेंडरी का कॉन्टेक्ट लिया है. तो उसको अभी हम थ्री फेज वायरिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं. तो उसके लिए एक जो टर्मिनल ब्लॉक होता है उसमें 1 से 6 TBs होती है, तो जो R1S1 है उसको R1S1 से ज्वाइंट करना है, R1S2 है उसको R1S2 से, फिर Y1S1, Y1S2, B1S1, B1S2. अभी ये CTs हमारे यहाँ पे TB पे आ गई है. अभी अंदर हमें जो सबस्टेशन के अंदर जाएगा उसमें हमें R फेज, Y फेज, B फेज और न्यूट्रल इस तरह से लेके जाना होता है. तो सभी कोर्स का एक जो टर्मिनल होता है उसको हम बाहर लेके जाते हैं, यानी कि जो R फेज है उसको D11 बोल के अंदर गया, Y फेज है वो D
31, बी फेज है वो डी 51, और जो सेकंड टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी ऑफ फर्स्ट कोर है, यानी कि R1S2, Y1S2 एंड B1S2, उन तीनों को हम कॉमन कर देंगे और उसको एक तरफ से अर्थ कर देंगे, तो वो बन जाएगा अपना न्यूट्रल। तो इस तरह से D11, D31, D51 और D71, ये चार वायर बाहर यार्ड में से पैनल की ओर जाता है। करंट किस तरह से सिटी प्राइमरी में से पास होता है और वहां से सिटी सेकेंडरी में क्रिएट होता है, और वो कैसे पास होता है, वो यहाँ पे एनिमेशन करके दिखाया गया है। आगे हमने देखा कि सिटी का वायरिंग एक कोर का किस तरह से होता है। अभी हम यहाँ देखेंगे कि थ्री फेज सिटी और उसमें तीन कोर है, तो उन सब का वायरिंग किस तरह से होगा। तो यहाँ पे तीन सिटीज दिखाई गई है और तीनों में एक एक कोर, तीन कोर है, यानी कि मीटरिंग कोर, प्रोटेक्शन कोर और स्पेशल प्रोटेक्शन कोर। तो यहाँ पे ये आर फेज की सिटी है, ये वाई फेज की सिटी है और ये बी फेज की सिटी है। तो उसका भी वायरिंग टोटल किस तरह से होगा वो देखते हैं। यहाँ पे सभी में सेकेंडरी टर्मिनल नंबर दिए गए हैं और ये यहाँ पे TB दी गया है। तो जैसे हमने आगे देखा था कि R1S1 कनेक्ट टू R1S1, देन R1S2 कनेक्ट टू R1S2, इसी तरह से Y एंड B फेज ये कनेक्शन हो जाएंगे, और वहां से D11, D31, D51 और D71 बाहर जाते हैं, जो कंट्रोल रूम की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे D11, D31, D51 और जो सेकेंडरी का सेकेंड टर्मिनल है वो यहाँ पे शॉर्ट होता है तीनों का, और वो न्यूट्रल बनता है और D71 बनता है। तो ये यहाँ से कंट्रोल रूम में जाता है। कंट्रोल रूम में इसको ले जाने के लिए 4 कोर 4 स्क्वायर mm केबल का यूज होता है। जैसे आगे हमने देखा कि मीटरिंग का वायरिंग कैसे होता है, मीटरिंग कोर का, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन कोर का वायरिंग किस तरह से होता है। तो प्रोटेक्शन कोर है अपनी R2S1, यानी कि 2S1 में से हमको वायर लेना है। तो इस तरह से हम R फेज, Y फेज और B फेज का कनेक्शन करेंगे। जैसे हमने मीटरिंग में D11, D31, D51 और D71 बनाया था, इसी तरह यहाँ पे C11, C31, C51 और C71 बनेगा। जो 71 बनेगा वो सिटी सेकेंडरी का जो सेकंड कॉन्टेक्ट है, उन तीनों को शॉर्ट किया है आर फेज, वाई फेज, बी फेज करके। और ये जो चार वायर बनते हैं उसको हम कंट्रोल रूम में लेके जाते हैं, उसके लिए भी 4 कोर 4 स्क्वायर mm केबल की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने आगे मीटरिंग का वायरिंग देखा, तो फर्स्ट कोर है जो मीटरिंग में यूज होती है, सेकंड कोर का वायरिंग देखा जो प्रोटेक्शन कोर है, तो वो बैकअप प्रोटेक्शन के लिए जनरली यूज होती है, और थर्ड कोर है वो स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। स्पेशल प्रोटेक्शन यानी कि अगर ट्रांसफार्मर है तो वो डिफरेंशियल में यूज होगी, बस बार प्रोटेक्शन होता है तो बस बार प्रोटेक्शन में यूज होगी, और अगर डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले है तो वो डिस्टेंस प्रोटेक्शन में यूज होती है। उस तरह से जो थर्ड कोर होती है वो यूज होती है। उसका वायरिंग भी आगे हमने जो देखा उसी तरह से होता है। तो यहाँ पे R3S1, R3S2, वैसे ही Y फेज और B फेज, और यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन जो होता है डिफरेंशियल के लिए, तो उसका नोमेनक्लेचर है A। तो यहाँ पे बनता है A31,
A11, A31, A51 और A71। और A71 जो तीनों शॉर्ट होते हैं उसको बाहर MK बॉक्स में अर्थ किया जाता है, और यहाँ से जो कंट्रोल रूम में वायर जाता है वो भी सेम 4 कोर 4 स्क्वायर mm का होता है। अभी आगे हम जो वायरिंग किया होता है से होता है वो देखते हैं। अगर सबस्टेशन में आप जाओगे तो वहाँ पे इस तरह से बॉक्स मिलेगा जिसमें सीटी का वायरिंग किया गया होता है। सीटी, तीन सीटी होती है, उसमें से वायर्स आते हैं यहाँ बॉक्स में, और यहाँ बॉक्स में हमने आगे जो देखा उस तरह से वायरिंग होके फिर एक कोर का 4 वायर, उस तरह से तीनों कोर का टोटल 12 वायर कंट्रोल रूम की ओर जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ से 12 वायर का वायरिंग हुआ, वो वायर कंट्रोल रूम में जाके पैनल में कहाँ जॉइंट होता है और वो हमें मीटरिंग प्रोटेक्शन और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में किस तरह से काम आता है। सो काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।